कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं सोनम, इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मेरी जो इंग्लिश सीखने का जो एक्सपीरियंस रहा है या जिस जर्नी में जो मैंने सबसे ज़्यादा जो बात सीखी है वो ये है कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपका जो वोकैब का कलेक्शन है वो स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश सुनते सुनते आप सीख जाते हैं बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज, और लैंग्वेज होने की वजह से आप सीख जाएंगे। बट अगर इंग्लिश में किस वर्ड को क्या बोला जाता है वो आपको नहीं पता तो आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। जैसे हम टेलीविज़न पर या फिर कहीं पर भी बहुत बार ऐसे सुनते हैं, ही इज़ अ हिपोक्रेट, तो हिपोक्रेट मतलब क्या होता है? या फिर हमारे थॉट्स बहुत कॉन्ट्राडिक्ट्री हैं, तो कॉन्ट्राडिक्ट्री क्या होता है? तो इस तरीके के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे रिडिकुलस या यूजुअली या फिर और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, रिंस योर फेस, रिंस योर फेस, तो रिंस मतलब क्या होता है? तो ऐसे ही वर्ड्स डेली यूज वाले लगभग 50+ मैं आपको बताऊंगी वर्ड्स जो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। वीडियो एंड तक देखिएगा बिकॉज इस वीडियो में आपको ना सिर्फ ये वर्ड्स, उनके हिंदी मीनिंग, बल्कि उनको आप कैसे यूज़ कर पाएंगे अपनी लैंग्वेज में, यानी उनके ऊपर इंग्लिश सेंटेंसेस, और सारे सेंटेंसेस बहुत यूज़फुल हैं। एंड वन मोर थिंग कि मैं उनको आपको ये भी बता दूंगी कि आपको अगर इंग्लिश नहीं बन रही है तो इन जनरल यानी यूजुअली, अल्टीमेटली, अल्टीमेट, इन टर्म्स को आप अपनी लैंग्वेज में कैसे यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आप इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं तब तक भी आप अपने स्टैंडर्ड को काफ़ी इम्प्रूव्ड दिखा सकते हैं इन वर्ड्स को अपनी नेटिव लैंग्वेज में यूज़ करके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के वर्ड्स कौन से हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है ऑड। ऑड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बोलचाल में, इसका मतलब होता है अजीब, विचित्र या अनोखा सा। ऑड मतलब जो भीड़ में अलग हो, एक ग्रुप में जो सबसे हटके होगा उसको हम बोलते हैं ये थोड़ा ऑड है या अलग है, अजीब है। ऑलराइट, ऑड का एक मीनिंग विषम होता है, सम संख्या, विषम संख्या, आई थिंक आप समझते हैं अगर आपने मैथ थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो 1, 3, 5, 7 ये सारी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं, जिनको हम इंग्लिश में ऑड नंबर्स बोलते हैं। तो वो वाला ऑड मैं आपको नहीं बता रही हूँ, ऑड मतलब जो विचित्र अनोखा होता है मैं अभी आपको वो बता रही हूँ। एग्जांपल देखिए, हर बिहेवियर वॉज वेरी ऑड, हर बिहेवियर वॉज वेरी ऑड, इसका मतलब उसका व्यवहार बहुत अजीब था। या फिर हम ऐसा बोलते हैं, वहाँ जाकर मुझे बहुत ऑड लग रहा था, मतलब वहाँ जाकर मुझे अजीब लग रहा था। तो इस तरीके से ऑड बोलचाल में और इंग्लिश में यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब होता है रोकना, बचना या दूर रहना। एग्जांपल, प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग इन दिस एरिया, प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग इन दिस एरिया, इसका मतलब कृपया इस क्षेत्र में धूम्रपान करने से बचें। या फिर आप सेकेंड एग्जाम्पल ऐसा बोल सकते हैं, आई वॉज रिफ्रेनिंग माई सेल्फ फ्रॉम गिविंग माई ओपिनियन, मतलब मैं अपना ओपिनियन देने से खुद को रोक रही थी या खुद को बचा रही थी। तो इस तरीके से रिफ्रेन यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है आज का अदरवाइज। अदरवाइज बहुत कॉमनली यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है अन्यथा या वरना या नहीं तो। एग्जाम्पल देखिए, स्टडी हार्ड अदरवाइज यू वोंट गेट अ जॉब, स्टडी हार्ड अदरवाइज यू वोंट गेट अ जॉब, इसका मतलब कठिन अध्ययन करें यानी हार्ड स्टडी करिए, अन्यथा या नहीं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उसके लिए आपको इंग्लिश भी आने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज बोलचाल में ऐसे यूज़ होता है, जैसे कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अदरवाइज आप इंग्लिश सीख नहीं पाओगे, तो अदरवाइज ऐसे ही बोलचाल में यूज़ होता है। नेक्स्ट इंग्लिश वर्ड है रिगार्डिंग। रिगार्डिंग इज़ अ वेरी वेरी कॉमन और यूज़फुल वर्ड है इंग्लिश का, जिसका मतलब होता है बारे में या विषय में, यानी किसी भी चीज़ के बारे में बात करते टाइम आप रिगार्डिंग वर्ड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव नथिंग टू से रिगार्डिंग दिस मैटर, आई हैव नथिंग टू से रिगार्डिंग दिस मैटर, इसका मतलब मुझे इस मामले के बारे में कुछ नहीं कहना है, या आई हैव नथिंग टू से मतलब इस मामले में बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो इस तरीके से रिगार्डिंग का यूज़ होता है। नेक्स्ट आप ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक के रिगार्डिंग तुमसे बात करनी है, किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग मतलब उस टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट इंग्लिश वर्ड है हमारी लिस्ट में मीन टाइम। मीन टाइम का मतलब होता है तब तक या इस समय में या इस बीच में। अब कई बार बोलते हैं ना कि मैं ऐसा कर रहा था, इस बीच में वो वहाँ चला गया, तो एग्जांपल देखिए कैसे यूज़ होगा ये, आई कंटिन्यूड वर्किंग मीन टाइम ही वेंट आउट शॉपिंग। आई कंटिन्यूड वर्किंग मतलब मैंने काम करना जारी रखा, मीन टाइम ही वेंट आउट शॉपिंग, इसी बीच वो खरीदारी करने के लिए बाहर चला गया। मीन टाइम मतलब उसी बीच, उस ड्यूरेशन में। ऑलराइट,
नेक्स्ट वर्ड है लेम। लेम का एक मीनिंग होता है जो बहुत प्रॉपर मीनिंग है, वो होता है लंगड़ा, यानी जिसका एक पैर खराब हो, एक टांग खराब हो, जो प्रॉपर चल ना पाए, उसको हम लेम बोलते हैं। बट बोलचाल में लेम ज़्यादातर असंतोषजनक या बहुत कमज़ोर या अपूर्ण के रूप में यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखिए, ही गेव अ लेम एक्सक्यूज़ फॉर बींग एबसेंट। ही गेव अ लेम एक्सक्यूज़ फॉर बींग एबसेंट मतलब उसने अनुपस्थित रहने के लिए एक असंतोषजनक यानी बहुत ही कच्चा या बहुत ही कमज़ोर बहाना दिया, लेम एक्सक्यूज़। नेक्स्ट वर्ड है लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब होता है जीविका, रोजी रोटी या फिर रोजगार। एग्जाम्पल, फार्मिंग वॉज हिज मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। फार्मिंग वॉज हिज मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड मतलब खेती उसकी आजीविका का या उसकी जीविका का मुख्य स्रोत था, यानी खेती से वो अपनी रोजी रोटी कमाता है। तो लाइवलीहुड का मतलब हुआ जीविका चलाना या रोजी रोटी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आइडल। आइडल का मतलब होता है आलसी, बेकार, सुस्त या फिर निष्क्रिय। एग्जाम्पल, डोंट सिट आइडल। डोंट सिट आइडल मतलब बेकार मत बैठो। आइडल मतलब निष्क्रिय, जिसमें कुछ एक्टिविटी ना हो, जो एक्टिव ना हो। नेक्स्ट वर्ड है हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है अतिथि सत्कार या फिर मेहमानदारी। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड शोड मी अ ग्रेट हॉस्पिटैलिटी। माई फ्रेंड शोड मी अ ग्रेट हॉस्पिटैलिटी इसका मतलब मेरे दोस्त ने मुझे बहुत आतिथ्य दिखाया या फिर उसने मेरी बहुत अच्छी मेहमानदारी की या मेहमान नवाजी की। या फिर आप ऐसा भी बोलते हैं, थैंक्स फॉर योर हॉस्पिटैलिटी मतलब आपके अतिथि सत्कार के लिए या फिर आपकी मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया। तो इस तरीके से हॉस्पिटैलिटी यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में हिपोक्रेट। हिपोक्रेट का मतलब होता है कपटी, ढोंगी या पाखंडी, मतलब जिसके दो रूप हों, जो दुनिया के सामने कुछ और असल में कुछ और, उसको हम बोलते हैं हिपोक्रेट। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ ऑलवेज बीन अ हिपोक्रेट ऑल हिज लाइफ। ही हैज़ ऑलवेज बीन अ हिपोक्रेट ऑल हिज लाइफ इसका मतलब वो हमेशा अपने पूरे जीवन में एक पाखंडी रहा, यानी हमेशा उसने जिंदगी भर दिखावा ही किया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में सोफिस्टिकेट। सोफिस्टिकेट भी बहुत ज़्यादा यूज होता है बोलचाल में, अच्छा वर्ड है इंग्लिश का, जिसका मतलब होता है व्यवहार कुशल या समझदार या फिर दुनियादार, यानी ऐसा इंसान जिसको उठना बैठना आता हो समाज में, जो दिमाग से अच्छा हो, समझदार हो, उसको हम सोफिस्टिकेट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी इज़ अ स्मार्ट एंड सोफिस्टिकेटेड यंग गर्ल। शी इज़ अ स्मार्ट एंड सोफिस्टिकेटेड यंग गर्ल इसका मतलब वो एक स्मार्ट और व्यवहार कुशल युवा लड़की है, या फिर आप जनरली ऐसा बोलते हैं कि वो एक सोफिस्टिकेटेड लड़का है, यानी अच्छा समझदार लड़का है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिशमेंट का मतलब होता है उपलब्धि, सिद्धि या फिर दक्षता। ज़्यादातर ये उपलब्धि के सेंस में यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखिए, अगर आप किसी से पूछना चाहें कि आपने अपने जीवन में क्या किया है, यानी आपकी क्या उपलब्धि है, तो आप पूछते हैं व्हाट्स द बिगेस्ट अकम्प्लिशमेंट ऑफ योर लाइफ। व्हाट्स द बिगेस्ट अकम्प्लिशमेंट ऑफ योर लाइफ इसका मतलब आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स को प्राउड करवाना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अकम्प्लिशमेंट है, यानी मेरी ज़िंदगी की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में वाया। वाया का मतलब होता है के माध्यम से या के द्वारा या के जरिए या के रास्ते से। एग्जाम्पल देखिए, द न्यूज़ रीच्ड मी वाया माई फ्रेंड। द न्यूज़ रीच्ड मी मतलब ये समाचार मेरे पास पहुंचा वाया माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड के जरिए, यानी मेरे फ्रेंड से होते हुए वो न्यूज़ मेरे पास पहुंची। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि वी रीच्ड दिल्ली वाया आगरा, मतलब हम आगरा से होते हुए दिल्ली पहुंचे। तो इस तरीके से वाया यूज़ होता है, वाया बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंग्लिश में। इनफैक्ट नेक्स्ट वर्ड हमारी लिस्ट में स्टैब्लिश। स्टैब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना या खड़ा करना या बुनियाद डालना। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ ट्राइंग टू एस्टैब्लिश हिज आइडेंटिटी एज अ सिंगर। ही इज़ ट्राइंग टू एस्टैब्लिश हिज आइडेंटिटी एज अ सिंगर इसका मतलब वो एक गायक के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश माई करियर इन पॉलिटिक्स, मतलब मैं पॉलिटिक्स में अपना करियर स्थापित करने की या खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड हमारी लिस्ट में एक्सपेल। एक्सपेल का मतलब होता है निष्कासित करना, निकाल देना या फिर खारिज करना। एग्जाम्पल, बिकॉज ऑफ अ बैड बिहेवियर शी वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल। बिकॉज ऑफ अ बैड बिहेवियर शी वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल मतलब उसके बुरे बर्ताव की वजह से उसे स्कूल से निष्कासित कर दिया गया था या निकाल दिया गया था। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पैच। डिस्पैच का मतलब होता है रवाना करना या भेजना। ये शब्द आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, जब भी आप कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आपको मेल में लिखा आता है योर ऑर्डर हैज़ बीन डिस्पैच्ड।
योर ऑर्डर हैज़ बीन डिस्पैच्ड, इसका मतलब आपका ऑर्डर भेज दिया गया है, यानी आपका ऑर्डर डिस्पैच कर दिया गया, डिस्पैच मतलब रवाना कर दिया गया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में ड्यूरिंग। ड्यूरिंग तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंग्लिश में, अगर आपने कहीं भी कोई भी आर्टिकल वगैरह पढ़ा है तो ड्यूरिंग आप जानते ही होंगे क्या होता है। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान या के समय में। एग्जाम्पल, द रेस्टोरेंट इज़ ओपन ड्यूरिंग द डे। The restaurant is open during the day. इसका मतलब restaurant दिन के दौरान खुला रहता है, या फिर आप ऐसा बोलते हैं ना कि during my college days ऐसा ऐसा होता था। During मतलब उस दौरान, यानी मेरे college days के दौरान या school days के दौरान, तो during का ऐसा use होता है। Next word है drawback. Drawback का मतलब होता है किसी भी परिस्थिति या किसी भी चीज़ में कोई कमी, खोट, दोष या फिर खामी। Example, the main drawback of this mobile is its high price. The main drawback of this mobile is its high price. इसका मतलब इस मोबाइल का मुख्य दोष इसकी उच्च कीमत है, यानी इसकी ज़्यादा कीमत, इस मोबाइल की कमी है। Next word है deteriorate. Deteriorate एक बहुत अच्छा इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। Deteriorate का मतलब होता है बिगड़ना, क्षय होना, या फिर किसी भी चीज़ का और ज़्यादा खराब होना। Example देखिए, The situation is deteriorating rapidly. The situation is deteriorating rapidly मतलब स्थिति तेज़ी से बिगड़ रही है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं her health is deteriorating मतलब उसकी तबीयत और पहले से ज़्यादा बिगड़ रही है। Next word है crisis. Crisis का मतलब होता है संकट काल या फिर संकट, यानी ऐसा समय, ऐसा टाइम जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो, संकट हो, उसे हम क्राइसिस बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द कंट्री इज़ गोइंग थ्रू एन इकोनॉमिक क्राइसिस। द कंट्री इज़ गोइंग थ्रू एन इकोनॉमिक क्राइसिस, इसका मतलब देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है डिक्लेयर। डिक्लेयर एक बहुत कॉमन वर्ड है जिसका मतलब आपको पता होगा, घोषणा करना या किसी भी चीज़ को दूसरों के सामने प्रकट करना या फिर किसी चीज़ का ऐलान कर देना। एग्जाम्पल देखिए, हैव यू एनीथिंग टू डिक्लेयर। हैव यू एनीथिंग टू डिक्लेयर मतलब क्या आपके पास घोषणा करने के लिए कुछ है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि शी डिक्लेयर्ड हर प्रेगनेंसी न्यूज़ ड्यूरिंग पार्टी, मतलब पार्टी के दौरान उसने अपनी प्रेगनेंसी न्यूज़ को डिक्लेयर किया, यानी सबके सामने उसका ऐलान किया। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है खंडन करना या फिर विरोध करना। एग्जाम्पल, दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर ऑल द टाइम। They contradict each other all the time, इसका मतलब वो हर समय एक दूसरे का विरोध करते रहते हैं, यानी एक दूसरे की बात को काटते रहते हैं, एक दूसरे का खंडन करते रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है contradictory. Contradictory का मतलब होता है असंगत या परस्पर विरोधी। एग्जाम्पल देखिए, His words and actions are often contradictory. His words and actions are often contradictory, इसका मतलब उसके शब्द और कार्य आपस में परस्पर विरोधी होते हैं, यानी वो बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, यानी उनमें परस्पर विरोध होता है, वो एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे थॉट्स कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, मतलब हमारे थॉट्स अलग अलग हैं। नेक्स्ट वर्ड है अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट एक कॉमन इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है उपयुक्त, ठीक या उचित या वाजिब। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बोलचाल में भी और इंग्लिश में भी। एग्जाम्पल देखिए, Jeans is not appropriate for a formal party. Jeans is not appropriate for a formal party मतलब जीन्स एक औपचारिक पार्टी के लिए उपयुक्त नहीं है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि बच्चों के साथ रूडली बात करना appropriate नहीं है, यानी बच्चों के साथ रूडली बात करना उचित नहीं है या वाजिब नहीं है, तो appropriate ऐसे यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है devastate. Devastate के दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है स्तब्ध रह जाना, यानी किसी भी खराब खबर को सुन के जब आप हिल जाते हैं, यानी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं, या ना एक्सट्रीम इमोशन आपको जब हावी हो जाए आप पर, तो उसको हम devastate बोलते हैं। दूसरा, उजाड़ना या नाश करना या बर्बाद करना के सेंस में भी devastate यूज़ होता है। मैं आपको पहले के ऊपर एग्जाम्पल बताती हूँ। आई वॉज devastated बाय द न्यूज़ ऑफ हिस एक्सीडेंट। I was devastated by the news of his accident. इसका मतलब उसकी दुर्घटना की खबर से मैं स्तब्ध हो गया था, यानी मैं हिल गया था। Next word है ridiculous. Ridiculous का मतलब होता है बेहुदा, बेतुका या फिर हास्यास्पद। Example, that's a ridiculous idea. That's a ridiculous idea. इसका मतलब ये एक हास्यप्रद या फिर बेहुदा विचार है। नेक्स्ट वर्ड है वाइटल। वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण या फिर आवश्यक, यानी इम्पॉर्टेंट
एग्जाम्पल देखिए, हार्ड वर्क इज वाइटल फॉर सक्सेस. हार्ड वर्क इज वाइटल फॉर सक्सेस, इसका मतलब सफलता के लिए कठिन परिश्रम महत्वपूर्ण है. ये सिंपली सिनोनिम है इम्पॉर्टेंट का. नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में कॉन्ट्रेरी. कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विपरीत, विरुद्ध या फिर उल्टा. एग्जाम्पल देखिए, द रिजल्ट इज कॉन्ट्रेरी टू अवर एक्सपेक्टेशन. द रिजल्ट इज कॉन्ट्रेरी टू अवर एक्सपेक्टेशन, इसका मतलब परिणाम हमारी सोच के विपरीत है या हमारी एक्सपेक्टेशन यानी हमारी उम्मीद के ऑपोजिट है, उल्टा है उसके. ओके, नेक्स्ट अटेन. अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना, पाना या फिर सिद्ध करना, यानी किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल हो जाना, उसको अचीव कर लेना सिंपली. एग्जाम्पल देखिए, यू नीड टू वर्क हार्ड टू अटेन योर गोल. यू नीड टू वर्क हार्ड टू अटेन योर गोल, इसका मतलब आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है. नेक्स्ट वर्ड है कॉपरेट. कॉपरेट का मतलब होता है सहयोग देना, साथ देना या मदद करना. एग्जाम्पल, वी हैव टू कॉपरेट विथ ईच अदर, इसका मतलब हमें एक दूसरे का सहयोग करना होगा. या फिर आप सिंपली बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुनते हैं, प्लीज़ कॉपरेट, मतलब प्लीज़ सहयोग करें या फिर प्लीज़ साथ दीजिए हमारा. नेक्स्ट वर्ड है एक्सपोज. एक्सपोज का मतलब होता है बेनकाब करना, कलई खोलना या फिर प्रकट करना. ये ज़्यादातर निगेटिव सेंस में यूज़ होता है, यानी जब आप किसी का कोई राज लोगों के सामने खोल दें, उसको हम एक्सपोज करना बोलते हैं. एग्जाम्पल देखिए, द जॉब ऑफ अ जर्नलिस्ट इज़ टू एक्सपोज द ट्रुथ. द जॉब ऑफ अ जर्नलिस्ट इज़ टू एक्सपोज द ट्रुथ. या फिर आप सिंपली कई बार ऐसे बोलते हुए सुनते हैं लोगों को कि वो पॉलिटिशियन एक्सपोज हो गया या फिर वो एक्टर एक्सपोज हो गया. एक्सपोज हो गया मतलब बेनकाब हो गया. नेक्स्ट वर्ड है परहैप्स. परहैप्स का मतलब होता है शायद, कदाचित या फिर हो सकता है. एग्जाम्पल, परहैप्स द वेदर विल चेंज दिस इवनिंग. परहैप्स द वेदर विल चेंज दिस इवनिंग, इसका मतलब शायद आज शाम को मौसम बदल जाएगा. नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में प्रोवोक. प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना, उत्तेजित करना या फिर चिढ़ाना. एग्जाम्पल, शी सेड बैड वर्ड्स डिलिबरेटली टू प्रोवोक मी. शी सेड बैड वर्ड्स डिलिबरेटली टू प्रोवोक मी. डिलिबरेटली का मतलब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ पहले के वीडियोज में, जिसका मतलब होता है जानबूझकर. डिलिबरेटली मतलब जानबूझकर, उसने जानबूझकर उकसाने के लिए वो शब्द कहे या वो बुरे शब्द कहे. तो प्रोवोक करना मतलब उकसाना या फिर भड़काना. नेक्स्ट वर्ड है प्रिमिटिव. प्रिमिटिव का मतलब होता है आदिम, प्राचीन, यानी बहुत पुराने ज़माने का, एकदम आदिवासी के ज़माने का, उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव. या फिर साधारण या असभ्य को भी प्रिमिटिव ही बोला जाता है. एग्जाम्पल देखिए, द लोकल हॉस्पिटल्स आर वेरी प्रिमिटिव एंड अनरिलायबल. द लोकल हॉस्पिटल्स आर वेरी प्रिमिटिव एंड अनरिलायबल, इसका मतलब स्थानीय अस्पताल बहुत ही आदिम यानी बहुत पुराने, या फिर साधारण भी इसका मतलब है तो स्थानीय अस्पताल बहुत ही साधारण और अविश्वसनीय, यानी उन पर रिलाय नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट वर्ड है हमारे लिस्ट में पंक्चुअल. पंक्चुअल भी बोलचाल वाला इंग्लिश वर्ड है, जिसका मतलब होता है समयनिष्ठ, पाबंद या ठीक समय पर काम करने वाला, उसको हम पंक्चुअल बोलते हैं. एग्जाम्पल देखिए, ऑलवेज बी पंक्चुअल फॉर एन इंटरव्यू. ऑलवेज बी पंक्चुअल फॉर एन इंटरव्यू, इसका मतलब इंटरव्यू के लिए हमेशा समय के पाबंद रहें, यानी सही समय पर जाएं. या फिर आप बोल सकते हैं ही इज़ वेरी पंक्चुअल, मतलब वो समय का पाबंद है. तो पंक्चुअल मतलब समय का पाबंद होना. नेक्स्ट वर्ड है यूजुअली. यूजुअली भी बहुत कॉमन इंग्लिश वर्ड है, आई थिंक मैं आपको पहले के वीडियोज में ये बता चुकी हूँ. यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर, अक्सर या प्राय. एग्जाम्पल, आई यूजुअली डोंट गेट लेट फॉर ऑफिस. आई यूजुअली डोंट गेट लेट फॉर ऑफिस, मतलब मैं अक्सर या आमतौर पर ऑफिस जाने में देर नहीं करता, यानी मुझे लेट नहीं होता. या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं, यूजुअली मैं 7 बजे उठ जाता हूँ, मतलब अक्सर या ज़्यादातर मैं सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ. तो यूजुअली मतलब अक्सर या आमतौर पर. नेक्स्ट इंग्लिश वर्ड है वार्म्थ. वार्म्थ का मतलब होता है गर्म जोशी, सौहार्द, उत्साह या फिर गर्मी. एग्जाम्पल देखिए, शी फेल्ट द वार्म्थ ऑफ अ मदर अराउंड हर. शी फेल्ट द वार्म्थ ऑफ अ मदर, मतलब उसने अपनी माँ की गर्माहट को या फिर उसके सौहार्द को अपने आसपास महसूस किया. या फिर आप सिंपली ऐसा भी बोलते हैं, वार्म्थ ऑफ सन, मतलब सूरज की गर्मी. तो इस तरीके से वार्म्थ यूज होता है. नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में स्किप. स्किप के दो अलग अलग मीनिंग होते हैं. पहला तो होता है छलांग लगाना या फिर उछल कूद करना, और दूसरा स्किप का मीनिंग जो बोलचाल में ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है छोड़ देना,
एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट टू स्किप मील्स. इट्स इम्पॉर्टेंट नॉट टू स्किप मील्स, इसका मतलब ये ज़रूरी है कि आप खाना ना छोड़ें. स्किप करना यानी उसको छोड़ देना, या फिर आप जब भी इंटरनेट वगैरह सर्व करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट आता है आपकी अगर स्क्रीन पर, उसमें लिखा होता है एक शब्द लिखा होता है स्किप. स्किप को मतलब होता है इस एडवर्टाइजमेंट को छोड़ के आप आगे बढ़ जाएं, तो स्किप का ऐसा यूज़ होता है. नेक्स्ट वर्ड है साय. साय का मतलब होता है ठंडी सांस लेना या फिर आह भरना. एग्जाम्पल, आई ब्रीथ्ड अ साय ऑफ रिलीफ. I breathed a sigh of relief, इसका मतलब मैंने राहत की सांस ली. नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में epic. Epic का अगर आप डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे तो आपको मिलेगा महाकाव्य, यानी कुछ ऐसा पुराना महान काव्य जिसमें वीरों के बारे में लिखा गया हो, है ना, सोल्जर्स के बारे में. बट epic का जो स्लैंग के रूप में यूज़ होता है, यानी जो बोलचाल में यूज़ होता है, उसका मतलब होता है एकदम गजब का, यादगार या फिर महान. तो मैं महाकाव्य वाला एग्जाम्पल आपको नहीं बता रही हूँ, मैं आपको जो चल रहा है अभी सोशल मीडिया वगैरह पर, मैं आपको वो एग्जाम्पल बता रही हूँ. तो एग्जाम्पल, व्हाट एन एपिक मोमेंट इट वॉज, इसका मतलब वो क्या शानदार पल था. नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में इनकैपेबल. इनकैपेबल का मतलब होता है असमर्थ, अयोग्य या फिर अक्षम. एग्जाम्पल, शी इज इनकेपेबल ऑफ टेकिंग हर ओन डिसीजंस. शी इज़ इनकेपेबल ऑफ टेकिंग हर ओन डिसीजंस, इसका मतलब वो अपने फैसले खुद लेने में असमर्थ है या फिर समर्थ नहीं है. नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में पजेशन. पजेशन का मतलब होता है अधिकार, अधीन क्षेत्र या फिर कब्जा. एग्जाम्पल, दैट पिक्चर इज इन माई पजेशन, इसका मतलब वो तस्वीर मेरे अधिकार के अंदर आती है या फिर वो मेरे कब्जे में है. नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में अंडू. अंडू बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कंप्यूटर टर्म में या फिर बोलचाल में भी. अंडू का मतलब होता है अनकिया करना या पूर्ववत करना, यानी अपनी किसी काम को, अपनी किसी एक्टिविटी को दोबारा पुरानी स्टेज में वापस लाना, अपने किए को अनकिया करना. एग्जाम्पल देखिए, आई विश इट वॉज पॉसिबल टू अनडू वॉट आई हैव डन, मतलब काश मैंने जो किया है उसे पहले जैसा करना या उसे अनकिया करना संभव होता. अंडू का ऑपोजिट है रीडू. रीडू का मतलब होता है उस काम को फिर से करना. एग्जाम्पल देखिए, यू ऑल हैव टू रीडू दिस पीस ऑफ वर्क, मतलब आपको इस काम को फिर से करना पड़ेगा. या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं इस ऐसे को रीडू करो, मतलब इस ऐसे को दोबारा से लिखो. तो रीडू मतलब फिर से करना. नेक्स्ट वर्ड है रिंस. रिंस का मतलब होता है धोकर साफ करना या साफ पानी से धोना. रिंस मतलब धोना, ओके, धोकर साफ करना. एग्जाम्पल देखिए, इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिंस द वेजिटेबल्स बिफोर कुकिंग, इसका मतलब खाना पकाने से पहले सब्जियों को धोकर साफ करना इम्पॉर्टेंट है या फिर महत्वपूर्ण है. या फिर आप बोलचाल में ऐसा बोलते हैं, रिंस योर फेस, मतलब अपने फेस को धो दो, यानी साफ पानी से उसको साफ कर दो. नेक्स्ट वर्ड हमारी लिस्ट में टीडियस. टीडियस का मतलब होता है थकाऊ या उकताने वाला. एग्जाम्पल, दैट्स अ टीडियस जॉब, इसका मतलब ये एक थकाऊ काम है. The day was tedious, मतलब दिन बहुत थकाऊ था या फिर उकताने वाला था. नेक्स्ट वर्ड है tempting. Tempting का मतलब होता है आकर्षक, प्रलोभक या मोह लेने वाला. एग्जाम्पल, that cake looks very tempting, इसका मतलब वो केक बहुत लुभावना लगता है या फिर आकर्षक लगता है. नेक्स्ट वर्ड है हमारे लिस्ट में रिवाइव. रिवाइव का मतलब होता है फिर से जीवित करना या फिर पूर्व रूप में वापस लाना. एग्जाम्पल, A dead man will never revive. इसका मतलब एक मरा हुआ आदमी कभी जीवित नहीं होगा. नेक्स्ट वर्ड हमारे लिस्ट में अटर. अटर के अलग अलग मीनिंग होते हैं. एक तो होता है कहना, बोलना या फिर उच्चारण करना. दूसरा होता है पूरी तरह से. एग्जाम्पल देखिए, She did not utter a word all night. इसका मतलब उसने पूरी रात एक शब्द भी नहीं बोला. utter a word, एक शब्द भी नहीं बोलना, ओके? नेक्स्ट वर्ड हमारी लिस्ट में थॉरोली. थॉरोली का मतलब होता है पूर्णतया, अच्छी तरीके से या फिर बखूबी. एग्जाम्पल,
आई एम थॉरली डिससेटिस्फाइड विद योर वर्क, इसका मतलब मैं आपके काम से पूरी तरीके से असंतुष्ट हूँ। थॉरली मतलब पूरी तरीके से, जैसे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप सिंपली कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं दैट वी थॉरली इंजॉयड योर वीडियो, यानी हमने पूरे तरीके से आपके वीडियो को इंजॉय किया। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है आज का अल्टीमेट। अल्टीमेट का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, अंतिम या फिर आखिरी। एग्जाम्पल देखिए, माई अल्टीमेट एम इज़ टू बी हैप्पी। माई अल्टीमेट एम इज़ टू बी हैप्पी, इसका मतलब मेरा अंतिम उद्देश्य खुश रहना है। तो ये थे 51 वर्ड्स। इस लिस्ट में मैंने ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको बताए हैं जिनको यूज़ करके आप सिंपली इस वीडियो के बारे में एक अच्छा सा कमेंट नीचे ड्रॉप कर सकते हैं। तो एक कमेंट लिखना भूलिएगा नहीं, कोई भी कमेंट चलेगा, एपिक, अल्टीमेट और एनीथिंग। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना। ओके, तो ये थे आज के 51 वर्ड्स। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा और जो वर्ड्स मैंने आपको बताया वो भी आपको यूजफुल लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया, इसमें से आपको कुछ सीखने के लिए मिला, कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स, उनके हिंदी मीनिंग या जो भी, अगर कुछ भी आपने इस वीडियो से नया सीखा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे अच्छे यूजफुल वीडियोस की तलाश में होते हैं बट वो पहुंच नहीं पाते हैं उस जगह पर। तो आप ही उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, व्हाट्सएप पर शेयर करिए या फिर फेसबुक पर या जो भी आपका सोशल मीडिया में जहाँ पे आप एक्टिव है वहाँ पे आप वीडियो को शेयर करिए। और अगर आप अपना वर्ड कलेक्शन और इम्प्रूव करना चाहते हैं, ऐसे वीडियोज़ आप और देखना चाहते हैं, तो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं ऑलरेडी डेली वर्ड्स के ऊपर, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जिनका लिंक। और आप जब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको डेली यूज वोकैबुलरी नाम से जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको सारे वीडियोस वन बाय वन मिल जाएंगे, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तो वो वीडियोस आप देखिएगा, आपको पसंद आएंगे। इसके अलावा भी अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हैं, डेली यूज सेंटेंसेस वगैरह सीखना चाहते हैं, तो वो भी इस चैनल पर है, वो भी वीडियोस आप देखिएगा, आपको पसंद आएंगे। ओके, सो इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ दिस वीडियो, बट उसके पहले आई वुड से कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और आप ऐसे यूजफुल वीडियोस आगे देखते रहना चाहते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए आप सीरियस हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ऑलराइट, तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।